हेलो दोस्तों, जैसा कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, एक वीडियो सामने आया था जिसमें ओलाना के परिवार के लगभग 9 सदस्य जो पानी में बह गए थे, वैसा ही एक वीडियो का मंजर और सामने आया है जिनमें तकरीबन 3 लोग उसी तरह बाढ़ में फंसे हुए हैं जैसे कि मौलाना के परिवार के सदस्य फंसे हुए थे। इनको अनन फनन में कुछ वहाँ पे खड़े लोगों ने कैसे बचाया, इनकी जान की सेफ्टी कैसे की, वो हम आपको इस पूरी वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप कहीं भी घूमने फिरने जाएं तो अपने जान की हिफाजत खुद करिए। ये भगवान ने हमें जो जान दी है ये बहुत कीमती है। कहीं भी वीडियोस या फोटोज़ लेने से पहले हम अपनी सेफ्टी ज़रूर देख लें ताकि हम ऐसी किसी भी मुसीबत में ना फंसे जिससे हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। फिलहाल दोस्तों, चलते वीडियो पे बने रहते हैं और इस वीडियो की पूरी सच्चाई देखते हैं। बारीक वाली रस्सी छेड़ दो यार। गुड गुड, बस कोई घबराना नहीं बेटे, घबराना नहीं अब। और रस्सी बैंको छोटी, लास्ट बच्चा रह गया है रेस्क्यू करने के लिए। ऐसे डरना नहीं, बस बस आ गया तू, आ गया बेटे। इतना शुक्र भी दूर नहीं था ये ज्यादा। हाँ, लंबा लंबा, गुड, बस बस शाबाश, मान ले अच्छे तरीके ना, मान ले। बढ़िया बढ़िया था, खूब बढ़िया ना, जान मार लगाया। वाह भाई वाह। ऐसे हाँ, बीच से निकाल दे, बीच से। बस बस ठीक है बस 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 आ जा। आराम से, वाह वाह, धन्यवाद सारे लोगों का, बहुत अच्छा। आखिरी बच्चा भी रेस्क्यू कर लिया है, धन्यवाद इन सभी लोगों का। ये लोग सारे के सारे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आज पांच जिंदगियां बचाई है। पांच बंदे थे, मैंने बहुत टाइम पहले देख लिया था, मैं वहाँ खड़ा हुआ था जी। तो उसके बाद ये लोग कभी समझ नहीं पाए थे, मैं नदी आगे बिल्कुल नदी खाली थी, पूरी नदी जी। मैं वहाँ रुका हुआ था लेकिन इन्होंने कोई भी हिम्मत नहीं की और ड्रामा करते रहे, तमाशा करते रहे जी, आपस में फोटो उतारते रहे जी। तो मैं सड़क में बैठा जी सामने जी, मैं नदी आ गई तो ये लोग इकट्ठे हो गए, हम भी आ गए जी। लेकिन कल 3 लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था।